छतरपुर में पन्ना टाइगर रिजर्व की तरफ से पौधारोपण महाअभियान की शुरुआत कर दी गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक असीम श्रीवास्तव ने पहाड़ी पर पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की, साथ ही अभियान को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से पौधारोपण की अपील भी की। बता दें कि इस अभियान के तहत चंद्रनगर रेंज में टूरिया की पहाड़ी पर 50,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए टूरिया पहाड़ी के चारों तरफ गड्ढे भी खोदे जा रहे हैं। हमारे साथ भोपाल से आए हुए पन्ना टाइगर रिजर्व के वरिष्ठ अधिकारी, इनसे जानेंगे क्या उन्होंने देखा है यहाँ पर। जो है सर, स्वागत है नाम, क्या कुछ व्यवस्था है? बेसिकली पिछले 2 या 3 दिनों से यहाँ पर बाघों का किस प्रकार से संरक्षण किया जा रहा है, उसके लिए क्या व्यवस्था है, उसका क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ जानकारी प्राप्त की। और ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो बाघों के संरक्षण के लिए जो उपाय किए जाना चाहिए, वो लगभग सभी उपाय यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लागू किए जा रहे हैं। सर, पौधा जो रोपण किया जा रहा है, इसकी सुरक्षा के लिए किस प्रकार से तैयारी है? जैसे कि ये मॉडल टाइप के होते हैं सभी प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स, और इनकी विस्तृत गाइडलाइंस पहले से जारी होती हैं। उन्हीं गाइडलाइंस के तहत इनके प्रोजेक्ट तैयार हुए होंगे और उसी का अब क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। ये मेरे ख्याल 7 वर्षीय प्रोजेक्ट है और शुरू के 2 साल इसमें पौधारोपण और उसका कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट का व्यवस्था रहती है, और उसके बाद में प्रायः सुरक्षा व्यवस्था रहती है। तो जिस तरह का ये क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है और जिस तरह से लोकल लोगों ने जानकारी दी कि पहले ये अच्छा खासा वृक्षाच्छादित क्षेत्र था, तो उम्मीद है कि इतनी सुरक्षा मिलने के बाद ये प्राकृतिक रूप से भी रीजनरेट होगा और जो पौधे लगाए गए हैं वो भी इसको ऐड करेंगे इसकी। बिल्कुल, आज यहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व के चौरिया की पहाड़ी पर यहाँ पर भोपाल से CTF पहुँचे हुए हैं। पौधारोपण का कार्यक्रम यहाँ पे अभियान जोरों से चलाया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के लोगों को भी भाग लेने की ज़रूरत है। जन सहयोग के माध्यम से यहाँ पर ये पौधारोपण किया जा रहा है। लगातार जुड़े रहे मेरे साथ।